13 अप्रैल की आधी रात को ईरान ने एक साथ इसराइल पर 300 से ज्यादा घातक ड्रोन और मिसाइलों की झड़ी लगा दी थी, लेकिन ईरान के इस हमले के बीच अमेरिका और ब्रिटेन की सेना इसराइल का सुरक्षा कवच बनकर सामने आ गई। हालांकि इजरायली सेना का कहना है कि उसने ईरान के 99% हमलों को इंटरसेप्ट करके उन्हें बेअसर कर दिया था और ईरान के हमलों की वजह से इजरायल में मामूली नुकसान हुआ था, लेकिन ईरान ने जिस तरह से एकाएक इजरायल की तरफ मिसाइलें दागी थी वो मंजर अपने आप में ही काफी डराने वाला था। और अब इन्हीं हमलों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है जिससे इजरायली सेना के दावों पर कई सवाल या निशान लग रहे हैं। दरअसल ईरान के समर्थन वाले प्रेस टीवी ने ईरानी सेना के सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि ईरान द्वारा दागी गई 7 हाइपरसोनिक मिसाइलों को इजरायल का आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। और ये सभी मिसाइलें ईरान के कब्जे वाले फिलिस्तीन में IDF के सैन्य ठिकानों पर जाकर गिरी थी। और इसको लेकर ईरानी आर्म फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी का कहना है कि ईरान ने कब्जे वाली जमीन पर एक बड़े जासूसी सैन्य अड्डे पर हमला किया और इसराइल के निवातिम एयरबेस पर यह हमला हुआ। इसी एयरबेस से इसराइल के F-35 लड़ाकू जेट्स ने दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला करने के लिए उड़ान भरी थी। बागेरी ने अपने बयान में आगे कहा कि हमले अपने लक्ष्य तक पहुंचे। ईरान का कथित आयरन डोम ईरानी मिसाइलों और ड्रोन से उचित तरह से निपट नहीं पाया। आपको बता दें कि ईरान उन चंद देशों में से एक है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी है। ईरान की ये हाइपरसोनिक मिसाइलें बेहद ही हैरान करने वाली स्पीड से हवा में उड़ान भरते हुए अपने टारगेट्स पर हमला कर सकती है। इसके अलावा ईरान के पास हाई स्पीड वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों को चकमा देने में माहिर हैं। ये मिसाइलें हवा में आसानी से अपना रास्ता बदल सकती हैं और ईरान की इन मिसाइलों को लेकर अमेरिका का कहना है कि ईरान के पास करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो इसराइल तक पहुँच सकती हैं। ईरान ने पिछले साल जून 2023 में अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल को पूरी दुनिया के सामने पेश किया था। ये मिसाइल ध्वनि की गति से 5 गुना तेजी से उड़ान भर सकती है। ईरान ने इस मिसाइल को फतेह नाम दिया था। खुद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने इस मिसाइल का अनावरण किया था। बड़ी बात यह है कि इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और ईरान का दावा है कि ये सभी तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को भेज सकती है और ये मिसाइल 1500 किलोमीटर की रफ्तार तक उड़ान भर सकती है।